हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंजू की बगिया में। फ्रेंड्स, ये रेनी सीज़न चल रहे हैं, यदि इस सीज़न में आप कोई भी प्लांट लगाते हैं तो उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, और ख़ास करके हिबिस्कस की। और यदि हिबिस्कस आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, मौसम बहुत ही अच्छा है, लगातार बारिशें हो रही हैं। और यदि इस सीज़न में आप कोई भी प्लांट लगाते हैं तो उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ स्टार्ट होती है। और मैं ऐसे ही कुछ प्लांट लगा रही हूँ, और मैं नर्सरी से कुछ पौधे लाई थी और अभी तक वो हमारे गार्डन में रखे हुए थे, अब मैं उनको लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। और आज मैं हिबिस्कस लगाने वाली हूँ और वो हाइब्रिड है, तो यही आप लोगों से आज मैं शेयर करने वाली हूँ कि यदि आप भी कोई प्लांट लाते हैं नर्सरी से तो उनको किस तरह से लगाना है, और किस तरह की मिट्टी लेनी है, किस तरह का पॉट लेना है, और कैसे मैं उनको लगाऊँगी, यही सब बातें आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो आइए चलते लगाते हैं हिबिस्कस और देखते हैं किस तरह से लगाना है। तो अभी ये हमारा पुराना हिबिस्कस है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, और जो मैं लगाने वाली हूँ उसमें रेड कलर के फ्लावर आते हैं और फूल आया हुआ था, और इस समय वो झड़ गया है। आगे जो भी फूल आएंगे मैं आप लोगों से शेयर करूँगी और दिखाऊँगी। तो चलिए लगाते हैं हिबिस्कस को। तो आप हमारी वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पर लाइक शेयर एंड कमेंट्स करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो किस तरह से लगाना है, लगाने के लिए मैं पहले पॉट लूँगी, और पॉट मैंने प्लास्टिक का लिया हुआ है, और इस पॉट में मैंने मिट्टी डाली हुई है। और ये मैंने जब भी अपने गार्डन में काम किए थे तभी मैंने इन मिट्टी को सुखाया हुआ था निकाल करके, और सुखाने के बाद में इस पॉट में डाला हुआ है। अभी आप देख सकते हैं मिट्टी मॉइस्ट है और ड्रेनेज होल बहुत ही अच्छा है, और पानी इसमें बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं हो रहा है। मिट्टी मॉइस्ट ज़रूर है क्योंकि दिन में बारिश हुई है, और इसी पॉट में आज हम प्लांट को लगाएंगे। तो इसमें मिट्टी में रेत है और गोबर की खाद मैंने अच्छी तरह से मिलाया हुआ है, और प्लस मिट्टी तो है ही है, और इन्हीं सभी को अच्छे से आप मिक्स करके तभी पॉट में डालें और आपका प्लांट अच्छी ग्रोथ करेगा। ये है वो प्लांट जो मैं नर्सरी से लेकर आई थी और इसमें फ्लावर आया हुआ था, वो इस समय गिर चुका है और बड बनी हुई हैं, अभी आप देख सकते हैं। और मैं इनको लगाने वाली हूँ क्योंकि इस समय लगातार बारिशें हो रही हैं, और इस सीज़न में यदि आप कोई भी प्लांट लगाते हैं तो उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, इसीलिए से मैं अपने सारे प्लांट लगा रही हूँ। और अभी मुझे इस हिबिस्कस को लगाना है, तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से हिबिस्कस को लगाते हैं, या मैं किस तरह से अपने गार्डन में हिबिस्कस को लगाती हूँ। और पॉट तो मैंने ले लिया है, प्लांट ये है, और अभी आप देख सकते हैं ये पॉली बैग में लगा हुआ है हिबिस्कस। में एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें बास्केट होती है, आप देख सकते हैं, मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें देखिए प्लास्टिक पॉली बैग में लगा हुआ है और इसमें ये बास्केट लगी हुई है, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। आप जब भी प्लांट को लगाएं तो इस चीज़ को चेक करके लगाएं, नहीं तो आपका प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं करेगा और वो दिन ही दिन ख़राब होता चला जाएगा। तो चलिए पहले इसको पॉली बैग से निकालते हैं और इस बास्केट को काट के निकालते हैं, उसके बाद हम अपने प्लांट को लगाएंगे। आपको बहुत ही सावधानी के साथ इसको निकालना है, और मिट्टी संभाल करके आप निकालिए, इसकी रूट्स डैमेज नहीं होनी चाहिए, अगर रूट्स डैमेज हो जाएंगी तो प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। तो जब भी आप इसको निकालें तो बहुत ही सावधानी के साथ निकालें, काफ़ी रूट्स अच्छी हैं इसकी, और प्लास्टिक बास्केट निकालना ज़रूरी है, नहीं तो ये प्लांट हमारा ग्रोथ नहीं करेगा। और कभी कभी तो ये इस तरह से दिखाई देते हैं, और कभी ये मिट्टी में अच्छी तरह से दबे होते हैं तो दिखाई नहीं देते हैं, और लोग उनको लगा देते हैं, और जब प्लांट दिन ब दिन ख़राब होते हैं तो लोग उसमें तरह तरह के ट्रीटमेंट करते हैं जिससे कि वो ठीक नहीं होता है। अंत में जाकर पता चलता है कि इसकी रूट्स दबी की दबी रह गई हैं क्योंकि इसमें प्लास्टिक बास्केट लगी हुई है। तो इस तरह से पहले आप चेक करें, हाइब्रिड हिबिस्कस में ये अक्सर करके होते हैं। तो मैं इनको निकालने के बाद फिर मिलती हूँ। मैंने बहुत ही मुश्किलों के बाद इसको देखिए निकाला है, और वो भी मैंने कटर से काटा है। आप इसको जब भी हटाएं तो किसी और चीज़ से नहीं, और इसको कटर से ही आप हटाएं तभी ये निकलेगा, नहीं तो ये बहुत टाइट होता है और प्लास्टिक तो है ही, इतनी आसानी से निकलने वाला नहीं है। और मैंने इसको निकाल लिया है, अभी निकालने के बाद मैं लगाने वाली हूँ हिबिस्कस को। और देखिए मैंने इस पॉट में गड्ढा किया हुआ है और इसमें मैं ये प्लांट लगा दूँगी। कुछ करना नहीं है, बहुत ही इजीली लगते हैं ये प्लांट, लेकिन थोड़ा सा मौसम और
सावधानी बरतनी रहती है। यदि दोनों चीज़ों का आपने ध्यान दिया तो ये बहुत ईजिली लग जाते हैं। अभी मैं इसमें मिट्टी से कवर करने के बाद फिर मिलती हूँ। मैंने हिबिस्कस को लगा दिया है और बहुत अच्छी तरह से ये लग गया है, देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इसके लिए ये पॉट भी बहुत अच्छा है, और देखते हैं इसकी क्या ग्रोथ होती है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। जब भी आप प्लांट को लगाएं तो सेम इसी तरह से लगाएं और प्लांट आपका अच्छी ग्रोथ पे रहेगा। देखते हैं इसकी क्या ग्रोथ होती है, किस तरह से फूल आते हैं, और फूल आएंगे तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी। तो चलिए इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं और अब इसको रखते हैं कहीं साइड में और देखते हैं इसमें कब ग्रोथ अच्छी होती है। और ग्रोथ तो फ़िलहाल स्टार्ट हो गई है, ग्रोथ इसकी अच्छी है और इस रेनी सीज़न में ये अच्छे होंगे, इसका पूरा विश्वास है। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।